हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। बोलिए माँ लक्ष्मी जी की जय। दोस्तों आज है माँ लक्ष्मी जी का मेला वेलवन में, तो इस वीडियो में हम आपको दर्शन कराएंगे और जितना भी हो सकेगा सारा कुछ इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। वीडियो में आप एंड तक जरूर बने रहना और मैं पिछले साल की वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उनको जरूर देखें। मैंने पूरी हिस्ट्री बता रखी है कि लक्ष्मी जी यहाँ पर का मेला क्यों लगता है, कैसे लगता है, ये सारी कुछ वीडियो मैंने पहले बना चुका हूँ। 3-4 वीडियो बनी है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, उनको जरूर देखना। ये पहला लक्ष्मी जी का मेला है आज, और इस मेले में बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन आज ये पहला है तो देखते हैं कैसा भीड़ भाड़ होती है, कितनी ज़्यादा पब्लिक आ रही है आज। और इस महीने में 5 मेले पड़ेंगे, हर गुरुवार को ये मेला पड़ता है। तो चलिए हम चलते हैं और आपको दर्शन कर लेंगे। दोस्तों ये है मेन गेट, यहीं से महालक्ष्मी जी के दर्शन करने के लिए इस मेले में जा सकते हैं। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों फाइनली मेले में आ चुके हैं, और मेले में अभी भीड़ नहीं है, पहला मेला है। अच्छे दर्शन होंगे और आपके भी दर्शन अच्छे होंगे। चलिए दर्शन करा देते हैं। दोस्तों ये देखिए बिल्कुल भीड़ भी नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल बहुत ही कम है। और नेक्स्ट टाइम मेला मतलब हर अगले बृहस्पतिवार को लगेगा तब बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी, अच्छे दर्शन होंगे आज हमारे और आपके। दोस्तों अभी हम माता रानी के दर्शन करने चलेंगे, आपको भी दर्शन कराएंगे, और हमने ये और प्रसाद ले लिया उनके लिए। अभी हम चलते हैं और आपको दर्शन कराएंगे। चलिए वीडियो एंड तक बने रहना है। ये है इसका मेन गेट, अंदर चलते हैं अभी। ये माँ लक्ष्मी जी के दर्शन। चल 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 चल। आइए दोस्तों, आइए आइए, लक्ष्मी जी के दर्शन कराएंगे, काफी अच्छे दर्शन होंगे आज। अंदर से कितना भव्य सज रहा है ये मंदिर महालक्ष्मी जी का, देखिए वाह। दोस्तों महालक्ष्मी जी के मंदिर में एक और मतलब यहाँ पर महागणेश जी के दर्शन देखने को मिले हमें। दोस्तों बजरंग बली जी के दर्शन कीजिए, यह बजरंग बली की इधर साइड में ये दर्शन है, यहाँ पर भी दर्शन कराते हैं। ये देखिए दोस्तों मंदिर में हैं हम अभी, और अच्छे दर्शन हुए हमारे, और अब की बार कोई भी भीड़ नहीं है। तो ये थी पहला जो लक्ष्मी जी का मेला है, तो इसलिए भीड़ नहीं है यहाँ पर। अगली बार से बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी मुझे पता है, और इसमें 5 गुरुवार यानी बृहस्पतिवार पड़ेंगे मेले, तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी। अब की बार बहुत अच्छे दर्शन हुए हमारे। यहाँ पर छोटे महाराज जी बैठे हुए हैं और कथा सुना रहे हैं कि लक्ष्मी जी यहाँ पर प्रवेश करना चाहती थी, इसलिए वो इंतज़ार कर रही हैं कृष्ण जी का आज भी। तो ये स्टोरी तो मैंने पहले बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जरूर देखना पुरानी वीडियो को। तो दोस्तों अभी हम मंदिर में हैं, और हमें काफ़ी अच्छे दर्शन हुए और आपको भी दर्शन कराए हमने। बट जब सिक्योरिटी गार्ड थे तो उन्होंने बोल दिया कि वीडियो बनाना अलाउ है, नहीं है यहाँ पर, तो हमने वीडियो को वहीं पर पोस्ट कर दिया। तो दोस्तों अगर आप आए दर्शन करने आए तो दर्शन करके यहाँ पर, और इनकी महिमा या वीडियो इनकी कहानी सुनना चाहते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, पुरानी वीडियो आप देख सकते हैं। तो अभी हम हैं वेलवन में, महालक्ष्मी जी का मंदिर है, यहाँ पर दर्शन हो रहे हैं काफ़ी अच्छे, और आप भी दर्शन करने के लिए आए, बोले महालक्ष्मी जी की जय। आप मेरे पीछे ये पेड़ देख रहे हैं, ये वाला पेड़, यह वही पेड़ है जहाँ पर लक्ष्मी जी मैया आज भी इंतजार कर रहे हैं श्री कृष्ण भगवान जी का। तो दोस्तों अभी हम दर्शन करके आए हुए हैं महालक्ष्मी जी के, हमको काफ़ी अच्छे दर्शन हुए, और बहुत ही बिल्कुल भी भीड़ नहीं है यहाँ पर आज। और नेक्स्ट डे यानी कि अगले बृहस्पतिवार को यहाँ पर भीड़ बढ़ जाएगी, क्योंकि लोगों को पता चल जाएगा, ये मेरी वीडियो वायरल होगी तो सबको पता चलेगा।
कैसे दर्शन हुए भाई? बढ़िया एकदम सुपर हुए। दर्शन कैसे हुए भाई? सुपर एकदम बढ़िया। और महालक्ष्मी जी ने हम पर मेहर की और हम बुलाए गए एक साथ तीनों। और भीड़ ज़्यादा नहीं थी इस मेले में, बढ़िया दर्शन हो गए, काफ़ी अच्छे दर्शन हुए, मज़े आए। आप ठीक है, वीडियो काफ़ी अच्छी बनाई है हमने, आपने भी दर्शन अच्छे किए होंगे। तो दोस्तों काफ़ी अच्छे दर्शन हुए और आपको भी दर्शन कराए। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन उसे प्रेस कर लेना, वीडियो को शेयर जरूर करें, सब लोगों को पता चले कि मेला लग चुका है, सभी दर्शन करने के लिए आ सकें। तो भाई वीडियो को शेयर जरूर करना और फिर मिलता हूँ नई वीडियो नए टॉपिक साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय दोस्तों।